नमस्कार दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 17वें दिन की कथा, अध्याय 17 में सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करना। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पापनाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री हरि नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण करके हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले, मलिन मुख से जो होनहार है सो होगा ही, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्प आदि लेने वन में चला गया। इस प्रकार प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समिधा, कुशा, फल और फूल आदि लाने वन में गया। वहीं सुदेव मन में हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें उतरकर मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जल यंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा करने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने खेल में उनसे जीतने की इच्छा से छुपने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल नहीं सका और मर गया। यह देखकर सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित हो वही भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गया। वे पुत्र की मृत्यु सुनकर कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिटाकर सुदेव बार बार मुख को चूमने लगा और गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोले, हे पुत्र, मेरा शोक दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर ऐसमय ही जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय ऐसे कैसे सो सकते हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूना वन के समान है। यदि तुम्हें फल, कंदमूल आदि प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं अब वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कोई ब्रह्म हत्या नहीं की है। फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया है? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? निर्धन का धन छीनकर और हम दोनों स्त्री पुरुष के सहारे बालक को ऐसे मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा ना आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए हो? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसता है, पृथ्वी से धान उत्पन्न होता है और पर्वत रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता
जहां से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुर्री की भांति लज्जा छोड़कर अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी क्या तुम्हें दया नहीं आती? बिन माता पिता से पूछे तुम कभी भी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों निकल गए हो? अब मैं किसके मुख से वेदाध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली को याद करते ही मेरा हृदय फट कर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता? निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए, और मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरदैत्य को मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथांगपाणे, काली दह के दोष को हरने वाले पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जलते हुए मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठपते, नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भव सागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा श्रद्धे चरण कमल वाले पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है? इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 17वां अध्याय समाप्त।